बहुत ही बड़ा दिन है और मैं बहुत ही बड़ा फ़ैन हूँ यूसुफ साहब का, हमेशा से रहा हूँ। तो मुझे बड़ी बेसब्री से इंतज़ार था कि ये किताब कब आए और मुझे पढ़ने का मौका मिले उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनके काम के बारे में, उनके अनुभवों के बारे में। तो आई एम रियली थ्रिल्ड कि आज फाइनली वो दिन आ गया है और हम सबके हाथ में वो किताब होगी और हम पढ़ पाएंगे। प्रसून जी ने एक कविता लिखी है जो मैं पढ़ूंगा, खास प्रसून जी ने कविता आज यूसुफ साहब के लिए लिखी है जो मैं पढ़ के सुनाऊं। उनके बारे में क्या कहूँ, उनसे मेरी बहुत बार मुलाकात हुई है, बहुत प्यार से मिलते और मेरे पिता और उनके बहुत नज़दीकी संबंध थे। वो मेरे पिता के हीरो थे, तो मेरे लिए हीरो से बढ़कर है। और मुझे लगता है आज बहुत बड़ा दिन है कि आज उनके ज़बानी उनकी कहानी हमें पता चलेगी। सो आई एम हियर टू सपोर्ट हिम, विश हिम बेस्ट ऑफ हेल्थ एंड लॉट्स ऑफ लक। वो तो हर एक्टर की ख्वाहिश रहेगी कि काश उनके साथ एक फिल्म मिले, पर इस फंक्शन में मुझे, मैं यहाँ पर हूँ, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मुझे एक इनवाइट उनका मिला कि आप इस फंक्शन में आए, मुझे लगता है ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी। जब से हम लोगों ने फिल्में देखी है, एक्टिंग देखी है, मुझे लगता है उन्हीं के वजह से है। और उन्होंने जिस अंदाज से अपने आप को तराशा है, जिस अंदाज से हमने हिंदी फिल्में देखी है, वो इन्फ्लुएंस तो हमेशा रहेगा, एक हिंदी फिल्मी पना हमेशा रहेगा। तो इतने सारे आइकॉनिक सीन्स है, आज जब भी मैं जब फिल्में करता हूँ तो कुछ सीन्स कहीं पर उनकी नकल उतारता हूँ या उनकी तरह बोल देता हूँ डायलॉग्स। तो आई थिंक इट्स ह्यूज थिंग फॉर अस ऑल्सो कि कहीं हम कॉम्प्लीमेंट करें, कहीं मजाक नहीं उड़ा रहे, बट यू नो इट्स वाओ, कंग्रेचुलेशंस, लॉट्स ऑफ लक एंड कंग्रेचुलेशंस।